योगी से पंगा लेना, स्मृति ईरानी को पड़ा भारी। यूपी की जनता ने दिया मुंह तोड़ जवाब। लोकसभा चुनावों के नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी, कुछ हद तक मोदी लहर कम हुई है। तभी तो मोदी के नाम पर जिस जिस कैंडिडेट ने अपनी जीत को पक्का समझने की भूल की, उसे मुंह की खानी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि जिस सांसद ने अपने क्षेत्र में काम कर जनता का दिल जीतने की कोशिश की, उसको भी यूपी की जनता ने खदेड़ दिया। इसका सबसे तगड़ा उदाहरण है अमेठी से हारने वाली स्मृति ईरानी, जिन्हें लगा था कि वो बड़े मार्जिन से जीतेंगी, जिन्हें लगा था कि राहुल गांधी उनके डर से अमेठी छोड़कर भागे हैं, जिन्हें लगा था कि मोदी लहर में उन्हें भी प्रचंड जीत मिलेगी। इन सबसे इतर योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना उन पर भारी पड़ गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस दिन अमेठी में मतदान था, उसी दिन स्मृति ईरानी के कानों तक कुछ ऐसी खबर पहुंचाई गई कि पोलिंग बूथ पर सही से काम नहीं हो रहा और वो सब कुछ योगी के कहने पर हो रहा है। सच्चाई से बेखबर स्मृति ने सीएम योगी को फोन घुमाया। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान दोनों के बीच गहमा गहमी हुई, जिस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं ये बात ऊपर तक लेकर जाऊंगी। जवाब में योगी ने कहा, मैंने ना कुछ किया है ना करवाया है, आपको ये बात जहां तक लेकर जानी है आप जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि योगी और स्मृति की इस बहसबाजी के बीच यूपी की जनता ने योगी का साथ दिया और स्मृति ईरानी को सबक सिखाया। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। अब जब चुनावी नतीजे सबके सामने हैं, तो फिर से इस तरह की खबरों ने तूल पकड़ लिया है। कहा तो ये तक जा रहा है कि योगी को साइडलाइन करना और ऐसी खबरों की वजह से भी बीजेपी के विरोध में माहौल बना, जिसका नतीजा आप सभी देख रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच कहा यह भी जा रहा है कि योगी ने अपना महत्व बताने के लिए और मोदी शाह को अपनी अहमियत से रूबरू कराने के लिए इस तरह का प्रपंच रचा। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच आप जरा सोचिए कि अगर यूपी में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलती तो इसका असर क्या हो सकता था। बहरहाल, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं नहीं, देखो ये ना, जिनको कुछ पता नहीं है, जो अभी अभी नए नए राजनीति में, इनको कुछ पता नहीं है। मैं 1983 से यहाँ पे हूँ और मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पे आया था, ठीक है। तो यूथ कांग्रेस के मैं आया था तो मतलब पॉलिटिक्स में ही था। जो मेरे मेंटर थे, जिन्होंने मेरे को दिल्ली भेजा था उस कैंप में, वो हमारे पंजाब के एमएलए थे, जिनको उग्रवादियों ने मार दिया था। क्योंकि मेरे बारे में बहुत लोग नहीं जानते और मैंने किसी को जनाने की कभी कोशिश भी नहीं किया। तो जब काम यहाँ कर रहे हैं तो मेरे को जरूरी नहीं था कि सबको जनाना। लेकिन अब ये आई चीज तो नेचुरली लोग ढूंढते हैं कि ये कौन थे, कैसे थे, क्या थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं सैलरीड आदमी नहीं हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ। मैं कांग्रेस से कोई तनख्वाह वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है। बहुत से लोग नहीं जानते, मिथ्या में हैं, तो रहने दिया जाए, ठीक है। आप लगता है कि बाहरी बनाम स्थानीय टाइप बनाया जा रहा है? कौन सा बाहरी से, मतलब पंजाब से आया सब? तो दूसरी प्रत्याशी कहाँ से आई, बीजेपी प्रत्याशी कहाँ से आई? अब लगता है कि स्मृति ईरानी चुनौती है, केंद्रीय मंत्री है मौजूदा? नहीं, पहले तो बताओ ना कि जो दूसरी प्रत्याशी कहाँ से आई। मैं 40 साल से अमेठी में हूँ, 40 बनाम 10, 30 साल पहले से हूँ। तो ये प्रश्न आपका ठीक नहीं है। नहीं, मैं बीजेपी की तरफ से जो मैं तो किया जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं बताया ना, आप बता दीजिएगा उनको। सरकार वाला 40 बनाम 10 की लड़ाई हो रही है? 40 बनाम 10 की नहीं, ये जनता की लड़ाई है, मेरी और उसकी लड़ाई नहीं है। जो जनता के मन में है लड़ाई, वो है। हम लोग कभी बड़े घमंड में नहीं बोलते, क्योंकि जो जनता के मन में जो फैसला होगा, जनता वो करेगी, वो हमारे सर माथे पे कबूल होगा। आपने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं हराऊंगा, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? तो मैं क्या यहाँ हारने के लिए आया हूँ क्या? आप भी अजीब बात है, कोई प्रत्याशी हारने के लिए आता है?